जय हिंद मित्रों, जियो बुद्धा क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों को कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जो विभिन्न एग्जामों में इससे आने की संभावना है। आप लोग देखते हैं, जैसे एसएससी है, एलडीसी, यूडीसी, इस प्रकार 12th के एग्जाम भी जो देख रहे हैं कि अभी जो होने वाली है, उसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 35 मार्क्स का होता है, उसमें इससे उसमें भी क्वेश्चन आ सकती है। इसके अपेक्षा मैट्रिकुलेशन एग्जाम में जो देखते हैं, वहाँ भी इस सबसे क्वेश्चन आ सकती है। तो देखिए कि आप भी जो है कि अब हम आपको क्वेश्चन पे ले चलते हैं। स्लाइड पे देखिए, जो देख रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन यह कह रहा है कि भूगोल हमें पृथ्वी एवं जल पर निवास करने वालों का बोध कराता है, यह विचार किसका है? यानी जो इसमें चार ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें ए में जो है स्टोबो, बी में जो है हार्ट सोर्न, सी में वारेनियस, डी में कांट है। तो देख रहे हैं कि जो कहा जा रहा है कि भूगोल हमें पृथ्वी एवं जल पर दोनों पे निवास करने वाला का बोध कराता है, तो यह कथन जो है स्टोबो का है। तो इसका आंसर जो होगा ए होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है, पृथ्वी के वर्णन के लिए जियोग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग निम्न में से किस विद्वानों के द्वारा किया गया है? यानी जियोग्राफी शब्द जो देख रहे हैं, प्रथम बार जो प्रयोग की गई है, तो यहाँ चार ऑप्शन है। ए में जो है कि आपको अरस्तु, बी में जो है टॉलमी, सी में जो है इरेथोस्तनीज, और डी में जो है कांट, यानी इमैनुअल कांट महोदय। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन सी, यानी इरेथोस्तनीज के द्वारा पृथ्वी के वर्णन के लिए सर्वप्रथम बार जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किया गया था। तो इसका सही आंसर सी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, भू प्रादेशिक उपागम का प्रवर्तन निम्न में से किस भूगोल वेताओं द्वारा किया गया है? यानी प्रादेशिक उपागम जो है, यानी अप्रोच, रीजनल अप्रोच जो है, तो उसके प्रवर्तन को जो है किस विद्वानों के द्वारा किया गया है? तो ऑप्शन ए जो है कार्ल रीटर, बी जो है हम्बोल्ट, सी है कांट, और डी है हेटनर। तो इसका सही आंसर जो है ए होगा, यानी कार्ल रीटर महोदय के द्वारा प्रादेशिक उपागम का परिवर्तन के बारे में बताई गई थी भूगोल में। यानी प्रादेशिक जो अप्रोच, यानी जो देखते हैं प्रादेशिक स्तर पे जो अध्ययन की जाती है, तो उसके बारे में, यही कार्ल रीटर के द्वारा, यानी जो अप्रोच है। तो इसका सही आंसर जो होगा ए होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी तल की क्षेत्रीय विभिन्नताओं को सर्वप्रथम किस विद्वानों ने सम्मिलित किया? यानी भूगोल को देख रहे हैं तो उसमें जो क्षेत्रीय विभिन्नता होती है, यानी रीजनल डिस्पैरिटी जो होती है, तो उसका जो अध्ययन के लिए जो सर्वप्रथम बार किस विद्वानों के द्वारा किया गया था? तो यहाँ देखिए ए में जो है कांट है, बी में जो है हैटनर महोदय है, सी में हम्बोल्ट है, डी में हॉट सोर्न है। तो यह जो है कि हैटनर के द्वारा क्षेत्रीय विभिन्नता का सर्वप्रथम बार जो है भूगोल में, यानी पृथ्वी तल के अध्ययन के लिए किया गया था।
तो इसका सही आंसर जो होगा वह बी होगा। चलिए अगले स्लाइड के तरफ चलते हैं। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन जो है, जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल निम्न में से किससे संबंधित है? तो यहां दो चीज देख रहे हैं, जनसंख्या और अधिवास भूगोल निम्न में से किससे संबंधित है। तो यहां चार ऑप्शन दिया गया है, भौतिक भूगोल, बी में जो है मानव भूगोल, सी में जो है जीव भूगोल और डी में जो है कि इनमें से कोई नहीं। तो जनसंख्या और अधिवास का जो अध्ययन होता है वह मानव भूगोल का पार्ट है, यानी मानव भूगोल का एक ब्रांच जो आप देख रहे हैं वह जनसंख्या भूगोल है, दूसरा ब्रांच जो देख रहे हैं वह आपका अधिवास भूगोल है। तो इसका सही आंसर जो होगा वह बी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए निम्न में से कौन भौतिक अब्लिक प्राकृतिक, जो देखते हैं भौतिक कहिए या प्राकृतिक भूगोल से संबंधित है। तो यानी कि जो चार ऑप्शन दिया गया है, ए में जो है मानव शास्त्र, बी में जो है अर्थशास्त्र, सी में जो है मृदा शास्त्र और डी में जो है जनांकिकी। तो इसका सही आंसर जो होगा कि मृदा शास्त्र, यानी जो सॉइल ज्योग्राफी जो देखते हैं तो वह जो है प्राकृतिक भूगोल कहिए या भौतिक भूगोल का ब्रांच है, जबकि मानव शास्त्र, अर्थशास्त्र और जनांकिकी जो है यह तीनों जो है आपको मानव भूगोल का पार्ट है। तो इसमें भौतिक भूगोल पूछा गया है, तो इसका सही आंसर सी होगा, यानी मृदा शास्त्र, यानी सॉइल ज्योग्राफी भी इसको कह सकते हैं। चलिए सातवां क्वेश्चन देखिए। सातवां क्वेश्चन में यह है, निम्न में से कौन मानव भूगोल की एक शाखा है, यानी ह्यूमन ज्योग्राफी का जो देख रहे हैं कि कौन सा इसमें से चार में से जो देख रहा है कि एक ब्रांच है उसका, मानव भूगोल का बहुत सारी ब्रांच है जिसमें से यह पूछा जा रही है। तो इसमें चार ऑप्शन दिया गया है, ए में जो है भू आकृति विज्ञान, बी में जो है जलवायु विज्ञान, सी में जो है वनस्पति विज्ञान, डी में जो है आर्थिक भूगोल। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह आपका डी होगा, क्योंकि आर्थिक भूगोल जो है मानव भूगोल का ही एक ब्रांच है, यानी मानव के द्वारा जो आर्थिक क्रियाकलाप जो होती है उसका अध्ययन आर्थिक भूगोल में किया जाता है। तो इसका सही आंसर जो होगा वह आपका डी होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूगोल यानी जियोग्राफी शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है, यानी जियोग्राफी जो है वह दो शब्दों के मेल से बना है। तो इसमें चार ऑप्शन दिया गया है, ए में जो है जियो प्लस ग्राफोज जो देख रहे हैं, बी में जो है जी प्लस ग्राफी, सी में जो है जियो प्लस ग्राफी, डी में जो है जी प्लस ग्राफोज। तो देखिए इसका सही आंसर जो है आपको जियो प्लस ग्राफोज, यानी कि आंसर ए होगा। यानी जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफोज का मतलब होता है वर्णन, यानी ग्राफ। तो दोनों जब मिलता है, यानी पृथ्वी का जो वर्णन जिस शास्त्र में किया जाता है उसको जियोग्राफी कहते हैं, यानी पृथ्वी का जो देख रहे हैं कि जो वर्णन करना है। तो पृथ्वी पे क्या है, एक भौतिक पार्ट होगी, दूसरा जो होगा कि ह्यूमन एक्टिविटी होगी। तो जब यह दोनों का अध्ययन जो किया जाता है तो वह भू आके जो देखे जियोग्राफी का हो पार्ट होगा। तो देखे कि इसका सही आंसर क्या है, ए होगा, जो कि यह जियोग्राफी शब्द जो देखते हैं कि यह लैटिन शब्द है, यानी जियो प्लस ग्राफोज जो है वह लैटिन शब्द है
और यह दोनों मिलकर जियोग्राफी बनी है। तो इसका सही आंसर जो है कि ए होगा। चलिए अगले क्वेश्चन के तरफ चलिए। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक लक्षण नहीं है। तो एक जो कहा जा रहा है ए में जो है पर्वत, बी में जो भवन, सी में सड़के हैं, डी में फसलें हैं। तो देखिए सांस्कृतिक लक्षण को समझिए, मानव के द्वारा जो क्रियाकलाप किया जाता है और वह क्रियाकलाप का जो प्रभाव आपको सतह पे दिखता है उसको सांस्कृतिक दृश्यभूमि कहते हैं और वही सांस्कृतिक लक्षण होती है। तो देखिए पर्वत जो है वह प्राकृतिक रूप से होती है, वह मानव के द्वारा नहीं बनाई जाती है, जबकि बी जो भवन जो देख रहे हैं मानव के द्वारा बनाई जाती है, तो यह सांस्कृतिक लक्षण है। सड़के जो हैं मानव के द्वारा बनाई जाती है, यह भी सांस्कृतिक लक्षण है। फसलें जो है यानी मानव अपने जरूरत के हिसाब से विभिन्न प्रकार की फसलें लगाती है, तो यह भी सांस्कृतिक लक्षण है। यानी सभी जो है कि मानव भूगोल का ही पार्ट है। सांस्कृतिक दृश्यभूमि देखते हैं, यह मानव भूगोल का ही एक महत्वपूर्ण पार्ट है। और यह सब जो देखे तो इसका सही आंसर जो होगा, क्योंकि पूछ रहा है कि सांस्कृतिक लक्षण नहीं है, तो जो सांस्कृतिक लक्षण नहीं है तो उसके बारे में यह पूछी जा रही है, तो जिसका इसका आंसर ए होगा। यानी पर्वत जो है वह प्राकृतिक दृश्यभूमि है, प्राकृतिक लक्षण है, ठीक। तो इसका सही आंसर ए होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक लक्षण नहीं है। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन प्राकृतिक लक्षण नहीं है। इससे पहले वाले में आपने देखा है सांस्कृतिक लक्षण और इसमें प्राकृतिक लक्षण, यानी नेचर के द्वारा जो की जाती है वह नेचुरल होता है। तो इसमें पर्वत, नदियाँ, सड़के, समुद्र। तो देखिए सड़के जो है वह सांस्कृतिक लक्षण है, इसलिए इसका सही आंसर सी होगा। पर्वत, नदियाँ और समुद्र जो है या तीनों जो है प्रकृति द्वारा निर्मित हो असलाकृति होती है, इसलिए यह प्राकृतिक यानी जो लक्षण कहलाएगी। तो इसका सही आंसर जो होगा सी होगा, यानी सड़के। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभ्यता में नहीं है। यानी सभ्यता भी देखते हैं वह क्या है। सभ्यता जो होता है ह्यूमन बॉडी यानी मानवीय एक्टिविटी की पार्ट होती है, यानी सभ्यता भी होती है वह क्या चीज का है, तो मानव भूगोल का ही पार्ट है। तो कह रहा है कि इसमें कौन नहीं है, तो गांव। गांव किसके द्वारा, आदमी के द्वारा ही बसाई जाती है, इसलिए यह तत्व जो है सभ्यता सांस्कृतिक सभ्यता जो होगा वह सांस्कृतिक होगी, गांव जो होगी संस्कृति होगी। यातायात मानव के द्वारा ही क्रियाकलाप करके, तो यह भी सभ्यता का ही पार्ट है। शहर, शहर को मानव ही बसाता है, इसलिए यह भी सभ्यता का पार्ट है। लेकिन मरुस्थल जो है प्राकृतिक रूप से निर्मित होती है, जिसमें मानव की किसी प्रकार की हस्तक्षेप नहीं होती है, इसलिए इसका सही आंसर जो होगा डी होगी। जो मरुस्थल जो है वह प्राकृतिक है, नेचुरल है, तो इसका सही आंसर डी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जाता है, यानी निम्न में से कौन सा भौतिक लक्षण है। तो यानी कि इसमें से जो होगा कि तीन सांस्कृतिक लक्षण होगी, एक भौतिक लक्षण होगा, तो उसी की पहचान आपको करना है। ए में कहा जा रहा है बंदरगाह, बी में कहा जा रहा है जल उद्यान, सी में जो कहा जा रहा है मैदान, और डी में जो है सड़क। तो देखिए इसका सही आंसर डी होगा, क्योंकि डी जो है वह सांस्कृतिक लक्षण है, जबकि बंदरगाह, सॉरी, इसका सही आंसर जो होगा मैदान होगा, क्योंकि मैदान जो है कि आपको प्राकृतिक है। बंदरगाह जो होता है कि मानव के द्वारा निर्मित की जाती है, जो बांध देते हैं बंदरगाह उसको कहते हैं, जहां समुद्री जहाज आकर रुकती है,
यानी जो उसके स्टॉपेज वाले जो स्थान होती है उसको बंदरगाह कहा जाता है, इंग्लिश में उसको पोर्ट कहते हैं। तो यह भी सांस्कृतिक हो गई। जल उद्यान यानी जल में जो देखते हैं कि बहुत सारे जीव विविधता के लिए जो हम लोग बनाते हैं जलीय पार्क ये सब जो देखते हैं, तो यह मानव के द्वारा ही किया जाता है संरक्षित जब करने के लिए। तो यह भी जो है कि आपका सांस्कृतिक लक्षण ही है। सड़क जो देखते हैं मानव ही बनाता है, तो यह भी सांस्कृतिक है। मैदान जो है प्रकृति के द्वारा उत्पन्न स्थलाकृति है, इसलिए इसका सही आंसर जो होगा सी होगा, मैदान होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसका संबंध जीव भूगोल से है, यानी जीव भूगोल यानी बायो ज्योग्राफी से है। तो देखिए क्वेश्चन ऑप्शन ए में कहा जा रहा है भू विज्ञान, सी में कहा जा रहा है समाज शास्त्र, सी में कहा जा रहा है जीव विज्ञान, बी में जो है समाज शास्त्र है और डी में जलवायु विज्ञान है। तो यहाँ जीव भूगोल का संबंध कहा जा रहा है, तो जीव विज्ञान का ही एक पार्ट जो है जीव भूगोल है, यानी जीव विज्ञान का जो पार्ट भूगोल में पढ़ाई जाती है उसको जीव भूगोल कहा जाता है। तो इसका सही आंसर जो होगा वह सी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। भूगोल पृथ्वी तल के विभिन्नतापूर्ण की यथार्थ क्रमबद्ध तथा तर्कसंगत वर्णन एवं व्याख्या से संबंधित है। तो देखिए इसमें चार ऑप्शन दिया गया है। ए में जो है रिचर्ड हार्टसोन, बी में जो है आरी डिकिंसन, सी में जो है पीटर हैगेट, डी में जो है एडवर्ड एकरमैन। तो इसका सही आंसर जो है रिचर्ड हार्टसोर, यानी भूगोल पृथ्वी तल की विभिन्नताओं की यथार्थ क्रमबद्ध एवं तर्कसंगत, देखिए इसमें क्या जुड़ा, क्रमबद्ध यानी सिस्टमैटिक और तर्कसंगत यानी लॉजिकल वर्णन की व्याख्या से संबंधित है। तो यह कथन रिचार्ड हार्टसोन का है, तो इसका सही आंसर आपका ए होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। भू संरचना, भू सूचना है सॉरी, भू सूचना विज्ञान तकनीकी में वैश्विक स्थिति तंत्र यानी जिसको जीपीएस का उपयोग होता है, यानी जो तकनीक के तौर पे जो जीपीएस का जो उपयोग करते हैं वो किस लिए। तो यहां देखिए एक कहा जा रहा है आंकड़ों के एकत्रीकरण में, दूसरा जो है मानचित्र बनाने में, तीसरा जो है यानी सी जो है शुद्ध स्थिति को ज्ञात करने के लिए, और डी जो है सूचनाएं एकत्रित करने के लिए। तो इसका सही और सटीक जवाब जो होगा वह शुद्ध स्थिति ज्ञात करने के लिए, यानी जीपीएस के सहायता से जो आप देखते हैं कि जो जिस पॉइंट पे जिस जगह पे आपको जाना है वहाँ चले जाते हैं, उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जो होती है वह दिखाती है। तो यानी कहीं भी आपको जो जिस स्थान पे जाना है उस स्थान पे पहुँचाने में आपको जीपीएस महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, इसलिए इसकी सही आंसर जो होगा सी होगा, यानी शुद्ध स्थिति ज्ञात करने के लिए, यानी मानचित्र के जो देखते हैं किसी चीज को जो शुद्ध किसी प्लेस पे गए। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पृथ्वी के उत्पत्ति से संबंधित निहारिका परिकल्पना किससे संबंध प्रस्तुत किसने प्रस्तुत किया, यानी ओरिजिन जो देखते हैं पृथ्वी जो अर्थ है उसमें जो निहारिका परिकल्पना है वह किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है। तो निहारिका परिकल्पना जो है तो जो है देखिए कि निहारिका परिकल्पना जो है तो यह क्या है कि आपको ए में जो है कांट के द्वारा, बी में जो है लाप्लस के द्वारा, सी में जो है जेम्स जीन्स और डी में जो ओटो स्मिथ के द्वारा। तो निहारिका परिकल्पना जो है वह लाप्लस महोदय के द्वारा प्रस्तुत की गई है।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है, यानी जो स्लाइड पर जो है प्रकाश वर्ष कह रही है, तो ए में जो है दूरी मापने के लिए, बी में समय ज्ञात करने के लिए, सी में जो है तापमान ज्ञात करने के लिए है, डी में जो है ऊंचाई ज्ञात करने के लिए है। तो प्रकाश वर्ष जो है वह दूरी मापने के लिए है, यानी सबसे लंबी दूरी मापक यंत्र के तौर पे जो है उसको कहा जाता है प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष का मतलब समझिए, सूर्य की प्रकाश एक वर्ष में जितने किलोमीटर दूरी तय करेगी, वह जो किलोमीटर होगी वह एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। एक वर्ष में जितनी दूरी तय करती है, जबकि आप जानते हैं कि सूर्य की प्रकाश जो है उसकी गति जो है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है, तो समझ सकते हैं कि वो कितनी दूरी तय करेगी। तो इसको निकालने के लिए क्या है, 3 लाख × 60 जैसे कीजिएगा तो 1 मिनट में निकल जाएगी। फिर क्या करेंगे, 60 करेंगे तो 1 आवर का निकलेगा। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे 24, तो 1 दिन का निकलेगा कि सूर्य के प्रकाश कितनी दूरी तय की। अब उसके बाद 365 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वह जो दूरी आएगी उसी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो दूरी मापने की सबसे लंबी जो इकाई है वह क्या है, प्रकाश वर्ष है। तो इसकी सही आंसर ए होगी। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है। तो ए में जो देख रहे हैं पृथ्वी, बी में जो देख रहे हैं ट्रम्पलर, सी में जो है सूर्य, डी में है बेस्टा। तो देखिए सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड जो है वह सूरज है, यानी सौर मंडल जो है कि सभी को प्रकाशित करने का काम सूर्य है। अगर इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि सबका यह पैतृक है, यह जो ग्रह जो देख रहे हैं सूर्य जो है एक तारा, उसी से ऑरिजिन हुई है, तो इसलिए सबके केंद्र में जो है सूर्य है, तो इसका सही आंसर सी होगी। चलिए अगले देखिए, निम्न में से कौन बाह्य ग्रह है, यानी कि देखिए इसको दो भाग में बांटती है, कोई एक आंतरिक ग्रह होता है दूसरा बाह्य ग्रह होता है। तो देखिए सूर्य के जो निकटतम है वह आंतरिक ग्रह है, सूर्य से जो दूर है उसको बाह्य ग्रह कहा जाता है। तो यहां देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, ए में जो है बुध, बी में जो है शुक्र, सी में शनि और डी में पृथ्वी। तो देखिए बाह्य ग्रह जो है वह शनि है, बुध शुक्र और पृथ्वी यह सभी आंतरिक ग्रह है, तो इसकी सही आंसर सी होगी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, एडविन हबल का संबंध निम्न में से किस परिकल्पना से है, ज्वारीय परिकल्पना, निहारिका परिकल्पना, ग्रहाणु परिकल्पना, बिग बैंग परिकल्पना। तो एडविन हबल का संबंध जो है वह बिग बैंग परिकल्पना से है, यानी जो है इसका सही आंसर डी होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, निम्न में से किस सिद्धांत से ग्रहों के आकार का सर्वोत्तम स्पष्टीकरण होता है, यानी ग्रहों के आकार का जो सर्वोत्तम स्पष्टीकरण देखते हैं। तो एक में कहा जाता है निहारिका, बी में जो है ज्वारीय, सी में ग्रहाणु और डी में जो है नवतारा। तो इसका जो सही आंसर जो देख रहे हैं वह क्या है, तो इसका सही आंसर जो है नवतारा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन है, लाप्लास ने अपनी निहारिका परिकल्पना का सिद्धांत कब प्रस्तुत किया था। तो उसका देख रहे हैं कि ऑप्शन क्या है,
1795, 1797, 1796, 1798, 1799 तो इसका सही आंसर जो होगा 1796 ईस्वी में, यानी 1796 ईस्वी में लाप्लस महोदय के द्वारा निहारिका परिकल्पना प्रस्तुत की गई थी। तो इसका सही आंसर सी होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए। पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन निर्माण के नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रधानता है, यानी पृथ्वी की जो आंतरिक जो संरचना देख रहे हैं जिसको नीफे कहा जाता है, तो उसके निर्माण में कौन सी तत्व की प्रधानता है। तो ए में जो है सिलिका व एल्युमिनियम, बी में जो है सिलिका व मैग्नीशियम, सी में जो है बेसाल्ट व सिलिका, और डी में जो है निकेल व लोहा। तो इसका सही आंसर जो होगा डी होगा, यानी पृथ्वी का कोर जो बनी है जिसको नीफे कहा जाता है, तो वह जो है आपको निकेल और लोहा से निर्मित है, जिसको तीन परत में देते हैं सियाल, सीमा और नीफे। तो नीफे जो है निकेल एवं लोहा से निर्मित है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, यानी कि एवरेज डेंसिटी, यानी सियाल, सीमा, नीफे तीनों की जब डेंसिटी जब सम्मिलित रूप से कहते हैं तो उसको औसत डेंसिटी कहते हैं, जिसमें चार ऑप्शन दिया गया है। ए में जो है 2.5, सी में जो है, बी में जो है 3.5, सी में जो है 5.5 और डी में जो है 11। तो पृथ्वी की औसत घनत्व जो है 5.5 है। चलिए अगले, यानी कि सही आंसर सी होगी। चलिए अगले देखिए। पृथ्वी में किस गहराई पर तापमान बढ़ने से ठोस पदार्थ तरला अवस्था में आ जाती है। तो देखिए ए में जो है 32 किलोमीटर की गहराई में, बी में जो है 50 किलोमीटर की गहराई में, सी में जो है 96 किलोमीटर की गहराई में, और डी जो है कि आपको 100 किलोमीटर की गहराई में है। तो इसकी जो सही आंसर जो देख रहे हैं वह 50 किलोमीटर के नीचे अगर चले जाते हैं, सरफेस के नीचे 50 किलोमीटर चले जाते हैं, तो वहाँ जो पृथ्वी का जो पार्ट होगी वह तरल रूप में होती है, और तरला अवस्था में जब नीचे में अगर कोई चीज़ रहता है तो उसको मैग्मा कहा जाता है। तो यानी 50 किलोमीटर नीचे जाइएगा तो वहाँ जो फॉर्म मिलेगी वह मैग्मा के रूप में मिलेगी। तो इसका सही आंसर जो होगा वह बी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। पृथ्वी की किस परत में बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं, यानी बेसाल्टिक रॉक्स जो है पृथ्वी के किस चट्टान किस पार्ट में पाई जाएगी। तो एक में जो कहा जा रहा है सियाल, ए में, बी में कहा जा रहा है सीमा, सी में जो है नीफे, और डी में जो है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा वह बी होगा, यानी बी जो है कि सीमा में जो है बेसाल्टिक चट्टानें पाई जाती है, यानी जो तरल पदार्थ जो होती है पृथ्वी के नीचे जब वही निकलती है तो उससे जो चट्टान के निर्माण होती है, तो उससे दो प्रकार के ग्रेनाइटिक रॉक्स होती है और बेसाल्टिक रॉक्स होती है। तो अंदर जो है वह बेसाल्टिक रॉक्स है, ऊपर आती है ग्रेनाइटिक रॉक्स है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पृथ्वी के भीतरी भाग में तापमान की वृद्धि औसत दर क्या है, यानी पृथ्वी के जब नीचे के तरफ हम जाते हैं ऐसे, तो कितने नीचे जाते हैं तो वह किस दर से तापमान में वृद्धि होती है। तो ऑप्शन ए में जो है 1 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर अगर नीचे जाए तो 1 डिग्री सेल्सियस बताई रही है। बी में जो है कि अगर 12 डिग्री सेल्सियस 1 किलोमीटर अगर नीचे जाते हैं तो 12 डिग्री सेल्सियस बढ़ती है। सी में बताती है कि अगर 1 डिग्री सेल्सियस अगर 32 मीटर नीचे जाते हैं तो बढ़ती है। डी में बताती है कि 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ती है 100 मीटर नीचे जाने पे। तो इसका सही और सटीक आंसर जो होगा
एक डिग्री सेल्सियस बढ़ती है 32 मीटर नीचे जाने पे, अगर पृथ्वी के जहां पे हम लोग हैं इस सरफेस से 32 मीटर नीचे जाएंगे तो इस सरफेस के ऊपर जितनी तापमान है उससे 1 डिग्री सेल्सियस तापमान अधिक होगी। तो इसका सही और सटीक जवाब जो होगी वह सी होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो कहा जा रहा है पृथ्वी के कोर पर कौन से दो पदार्थें पाई जाती है। देखिए पृथ्वी की कोर जिसको नीफे भी कहा जाता है पहले बता चुके हैं, तो कहा जा रहा है वहां कौन सा दो तत्व पाई जाती है। तो ऑप्शन ए में जो है निकिल निकेल तथा तांबा, बी में जो है तांबा तथा लोहा, सी में जो है निकेल तथा लोहा, डी में जो है लोहा तथा चूना। तो इसका सही और सटीक जवाब जो सी होगा, निकेल तथा लोहा यानी कोर जिसको नीफे कहा गया था, तो सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है यानी अर्थ की जो त्रिज्या हम देखते हैं वह कितना है, रेडियस जिसको कहा जाता है। तो ऑप्शन ए में जो देखते हैं वह 5370 किलोमीटर, ऑप्शन बी में जो देखते हैं 6370 किलोमीटर, ऑप्शन सी में जो देखते हैं 7370 किलोमीटर, ऑप्शन डी में जो देखते हैं 8370 किलोमीटर। तो इसका सही और सटीक जवाब जो होगा वह 6370 किलोमीटर होती है। जैसे आप कोई भी प्रोजेक्शन बनाते हैं तो देखते हैं ना 6400 किलोमीटर लेते हैं, तो वही आपका जो देख रहा है कि इसका सही जो है कि वह 6370 किलोमीटर होगी। इसको आप लोग याद रखिएगा ज्योग्राफी के स्टूडेंट जितने होंगे, क्योंकि तो आप जब कोई भी प्रोजेक्शन बनाइएगा तो उस समय रेडियस के तौर पर यही 6370 किलोमीटर आएगी। तो आपका यह सही आंसर बी हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। देखिए पृथ्वी का भूपृष्ठ का यानी सरफेस के ऊपर जो हम लोग हैं जिसको भूपर पट्टी भी कहते हैं, तो उसी का घनत्व तो पूछ रहा है कि कितना है। तो इसका एक में दे रहा है, ए में जो दे रहा है 17.2, बी में जो रहा है 5.68, सी में जो है 2.75, डी में जो है 5.53। तो भूपर पट्टी यानी क्रस्ट जिसको कहते हैं, तो इसका जो डेंसिटी जो है 2.75 है, यानी सही आंसर इसका और सटीक आंसर सी होगी। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से पृथ्वी के किस भाग का घनत्व तो सर्वाधिक होता है, यानी कि घनत्व तो देखते हैं सर्वाधिक किसका होगा। तो ए में जा कहा जा रहा है प्रॉपर्टी यानी जिसको भूपर पट्टी कहते हैं जो अभी जिसको बताए हैं, बी में जो है कि मेंटल, सी में जो है बाहम कोर, डी में जो है आंतरिक कोर यानी कोर का सबसे निचली वाली जो पार्ट होती है। तो इसमें पूछा जा रहा है सर्वाधिक घनत्व वाला, तो सर्वाधिक घनत्व वाला आंतरिक कोर होगा। तो इसका सही आंसर डी होगा। अगर इसी के जगह पूछा जाता कि सबसे कम घनत्व वाला कौन होता तो वह प्रपट्टी होती यानी भूपर पट्टी। यहां पूछा गया सर्वाधिक घनत्व, तो सर्वाधिक घनत्व जो है आंतरिक कोर की होती है। इसकी सही आंसर डी हुई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य पृथ्वी की आंतरिक बनावट डालता है, यानी अब बताइए अभी बताया गया है 6370 किलोमीटर, क्या हम उतने नीचे जा सकते हैं 6370 किलोमीटर की गहराई में, जो कि असंभव है। तो फिर उसके अंदर के बारे में हम अध्ययन कैसे करेंगे, तो यही चीज यहां पे आपको बताना है। जब अंदर का इंटरनल स्ट्रक्चर को अध्ययन करने के लिए कुछ स्रोतें होती है, तो इसमें कहा जा रहा है कि सर्वाधिक जो है प्रकाश डालने वाली स्रोत कौन सी है। ठीक, तो देखिए प्रथम जो कहता है गहरी खादानों को खोदा जाना, तो गहरी खादान कितना किलोमीटर नीचे जाएंगे, कहा वह 3770 है जहां तक जाना संभव ही नहीं है, तो ए तो होगा नहीं। बी में आइए कुआं का खोदा जाना, कितना कुआं नीचे खोदते हैं जो बोरिंग करते हैं, वह भी बहुत करते हैं तो 500 600 मीटर की गहराई पर,
तो यह भी संभव नहीं है जो पेट्रोलियम रिसोर्स निकालते हैं कुआं के माध्यम से, तो वह भी 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर मैक्सिमम जो है कि 6-7 किलोमीटर तक की खोदी गई है, तो वह भी नहीं हो पाएगी। तो अब अगला देखिए, कहा जा रहा है कि भूकंपीय तरंगे, और डी जो देखते हैं ज्वालामुखी के उद्भेदन, तो दोनों से ज्ञात होती है, लेकिन यहां सर्वाधिक पूछा जा रहा है, तो सर्वाधिक जो होगा कि भूकंपीय तरंगे से होगी, यानी भूकंपीय तरंग जो होती है वही बताती है कि पृथ्वी की कौन सी पार्ट किस अवस्था में है, कौन सॉलिड अवस्था में है, कौन सा तरला अवस्था में है, कौन सा सेमी लिक्विड में है, यानी अर्ध तरल में है, तो यह भूकंप ही बताती है क्योंकि 3 वेव होती है। तो चलिए इसका सही आंसर सी होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गुटेनबर्ग संबद्धता, यानी कि गुटेनबर्ग संबद्धता अलग करती है, यानी गुटेनबर्ग जो डिस्पैरिटी जो है वह जो है वह किसको किसको अलग करती है, यानी संक्रमण क्षेत्र जो है, तो इसमें ए में कहा जा रहा है मेंटल तथा कोर को, बी में जो कहा जा रहा है बाहम कोर तथा मेंटल को, सी में जो कहा जा रहा है आंतरिक कोर तथा कोर को, डी में कहा जा रहा है निचले भूपटल तथा मेंटल का। तो इसका सही आंसर होगा मेंटल तथा कोर को, यानी कि ऑप्शन ए सही होगी। मेंटल और कोर को जो अलग करती है वह गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, जो संबद्धता, तो सही आंसर ए होगी। चलिए अगला देखिए, मेंटल की गहराई कितना किलोमीटर होता है, तो 3600 किलोमीटर, बी में है 2900 किलोमीटर, सी में है 1100 किलोमीटर 11000 किलोमीटर, और डी में जो है 5000 किलोमीटर। तो देखिए इसका सही आंसर जो होगा 2900 किलोमीटर होगी, यानी 2900 किलोमीटर की गहराई पे जाते हैं तो वही जो होता है मेंटल का निचला पार्ट होता है, और 2900 के नीचे जब जाते हैं तो कोर का अपर पार्ट होता है। यही 2900 किलोमीटर में जस्ट इसके पहले बताए हैं, तो वहीं पे जो डिसकंटिन्यूटी होती है उसको गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। तो इसका सही आंसर जो देखे कि 2900 किलोमीटर होगी, यानी मेंटल की गहराई कितनी है, तो 2900 किलोमीटर, यानी बी होगी सही आंसर। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है, सबसे तीव्र गति से चलने वाली भूकंपीय तरंग कौन सी है, सबसे तीव्र गति से चलने वाली, तो एक जो है पी तरंग, बी जो है एस तरंग, सी जो है एल तरंग, और डी में जो है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सबसे तीव्र गति से चलने वाली जो तरंगे है वह आपको पी तरंग है, यानी प्राथमिक वेव जो होती है उसकी गति सर्वाधिक होती है, वह पृथ्वी के कोर से प्रारंभ होती है। इसी के कारण आपको पहले वाले क्वेश्चन में बताया गया है कि भूकंपीय तरंग जो होती है वह पृथ्वी के आंतरिक संरचना के अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, तो यह कोर से जो ओरिजिन और वही बताता है। तो इसका सही आंसर जो देखे ए होगी। चलिए अगला देखिए 36, निम्न में से कौन सा एक सक्रिय ज्वालामुखी है, देख रहे हैं निम्न में से कौन सा एक सक्रिय ज्वालामुखी है, तो ए में जो है विसुवियस, बी में जो है बैरन आइलैंड है, सी में जो है पोपा, डी में जो है स्ट्रोम्बोली। तो सक्रिय ज्वालामुखी जो देखते हैं स्ट्रोम्बोली है, तो इसका सही आंसर डी होगी। बैरन आइलैंड में जो देखते हैं वह सुसुप्त है, अब वह जागृत हो रही है जो भारत में है, तो इसका सही आंसर आपने देखा डी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, निम्न में किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी
समुद्री तरंगों को सुनामी कहा जाता है। तो देखिए सुनामी जो कहा जाता है किसको कहा जाता है, तो यह सुनामी जो देख रहे हैं चार ऑप्शन दिया गया है, जो ए में मैक्सिको है, बी में न्यूजीलैंड है, सी में जापान है, डी में जो चीन है। तो जब सामुद्री भूकंप होती है और उससे समुद्र का तरंग जब ऊपर नीचे होती है जो बहुत ही विनाशकारी होती है, तो यह जापान का जो क्षेत्र देखते हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा भूकंप जो है कि जापान को झेलना पड़ता है। और वही जो है कि समुद्री तरंग जो उत्पन्न होती है, क्योंकि जापान एक आइलैंड पे है, तो उसी समुद्री तरंग को सुनामी कहा जाता है। तो यानी जापान में समुद्री तरंग को क्या कहा जाता है, सुनामी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, न्यूज जापान, यानी कि आंसर सी। चलिए अगला देखिए, भूकंप मापी यंत्र कहलाता है, यानी भूकंप जो मापते हैं तो उसको किस नाम से जानते हैं। ए में जो है हीदरग्राफ, बी में जो है क्लाइमोग्राफ, सी में जो है सिस्मोग्राफ, डी में जो है इडिगोग्राफ। तो इसका सही आंसर जो होगा सिस्मोग्राफ होगा, यानी भूकंप मापी यंत्र जो होती है वह सिस्मोग्राफ होता है। तो इसका सही आंसर सी होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। धरातल पर वह बिंदु जहां सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है उसको किस नाम से जानते हैं, यानी धरातल के ऊपर देखिए सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव जहां पे होता है उसको क्या नाम से जानते हैं। अधिकेंद्र, केंद्र, उद्गम केंद्र और इनमें से कोई नहीं। तो भूकंप का जो पृथ्वी के ऊपर जहां सर्वप्रथम बार जो अनुभव की जाती है उसको अधिकेंद्र से संबोधित किया जाता है। तो इसका सही आंसर जो होगा ए होगा। ठीक, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए निम्न में से किसने सर्वप्रथम यूरोप, अफ्रीका व अमेरिका एक साथ जुड़े होने की संभावना व्यक्त किया था। तो यह चार ऑप्शन जैसे कहते हैं ना कि सभी एक साथ जुड़ा हुआ था, तो दक्षिण वाली जो चार सभी को बता रही कि वह एक साथ जुड़ी हुई थी, तो कौन बताया। तो ए में जो है अल्फ्रेड वेगनर, बी में जो है अब्राहम आर्टिलियर, सी में जो है एंटोनियो स्नाइडर होगी और डी में जो है एडमंड हेस। तो इसका सही आंसर जो होगा अब्राहम आर्टिलियस। अब्राहम आर्टिलियस के द्वारा प्रथम बार यह संभावना व्यक्त किया गया था कि यह जो देख रहे हैं अफ्रीका, अमेरिका, दक्षिणी और यूरोप सब एक साथ जुड़ल था, तो अब्राहम आर्टिलियस के द्वारा। तो सही आंसर इसका बी होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए निम्न में से कौन सी लघु प्लेट नहीं है, यानी प्लेट तो आप जानते हैं जिसपे अर्थ का पूरा, जैसे हम लोग बैठे हुए हैं सभी जो है अर्थ सरफेस है या प्लेट के ऊपर स्थित है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा प्लेट लघु प्लेट नहीं है। इसका मतलब है कि चार में से तीन बड़ा प्लेट होगा, एक छोटा प्लेट होगा। तो ए में जो है नाजका प्लेट है, बी में जो है निम्न में से कौन सी लघु प्लेट नहीं है। ठीक, यानी तीन जो है लघु प्लेट होगा और एक जो होगा कि ग्रेटर बड़ा प्लेट होगा। ठीक, तो यहां देखिए जो बड़ा प्लेट कौन सा है, तो ए में जो है नाजका प्लेट, बी में जो है फिलीपीन प्लेट, सी में जो है अरब प्लेट, डी में जो है अंटार्कटिका प्लेट। तो यहाँ जो सबसे बड़ी प्लेट जो है वह अंटार्कटिका प्लेट है, नाजका, फिलीपीन और अरब प्लेट जो है छोटी प्लेट है। तो इसका सही आंसर जो होगी डी होगी।
चलिए अगले क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। देखिए, हिमालय पर्वत के साथ भारतीय प्लेट की सीमा किस तरह की प्लेट सीमा है, यानी भारत देखते हैं ना, प्लेट टेक्टोनिक के आधार पे जो है, जो बताई जाती है कि दो प्लेट जब आमने सामने टकराती है तो उससे पर्वत की निर्माण होती है, तो हिमालय पर्वत के बारे में भी वही कंसेप्ट है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि हिमालय पर्वत जो है भारतीय प्लेट की सीमा किस तरह की प्लेट सीमा है। तो देखिए, प्लेट तो देखते हैं कि अलग अलग प्रकार की होती है। एक जो प्लेट होती है पूर्ण रूपेण स्थलीय प्लेट होती है, दूसरा प्लेट जो देखते हैं पूर्ण रूपेण जो है सागरीय प्लेट होती है, तीसरा प्लेट जो देखते हैं कि स्थलीय और सागरीय दोनों नेचर होता पाया जाता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारतीय प्लेट का जो सीमा है किस तरह की प्लेट सीमा है, जो हिमालय जहाँ ओरिजिन होती है। तो ये में जो है महासागरीय और महाद्वीपीय अभिसरण, यानी एक प्लेट जो है कि महासागरीय और दूसरे प्लेट जो है महाद्वीपीय प्लेट के अभिसरण से, यानी टक्कर से। दूसरा जो है अपसारी प्लेट कहा जा रहा है। तीसरा प्लेट जो कहा जा रहा है वह रूपांतरित सीमा। और चौथा जो डी कहा जाता है, महाद्वीपीय और महाद्वीपीय प्लेट का अभिसरण हो रही है। तो इसका सही और सटीक आंसर डी होगी, क्योंकि इंडियन प्लेट जो देखते हैं, इंडियन प्लेन का जो नेचर है स्थलीय और सागरीय दोनों है। तो वह जो आगे जो देखते हैं कि अग्र पार्ट जो है वह स्थलीय है, जिस पे भारतीय प्रायद्वीप स्थित है, और यही जो यूरोपियन प्लेट से यानी यूरो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट जो है, सॉरी यूरो यूरोपियन जो प्लेट है और एशियाई जो देखते हैं, यूरोपियन नहीं एशियाई प्लेट जो है, तो एशियाई प्लेट और इधर से इंडियन प्लेट का जब टक्कर होती है तो एशियाई प्लेट भी जो देखते हैं वह कॉन्टिनेंटल प्लेट है, और इधर से जो देखते हैं कि क्या है कि यह इंडियन प्लेट का जो स्थलीय पार्ट है वही आगे बढ़ते हुए टकराती है, यानी अभिसरण होती है, जिसके कारण हिमालय पर्वत की ओरिजिन हुई है। तो वहां जो देखे कि इसका सही आंसर क्या होगा, डी होगी, यानी महाद्वीपीय और महाद्वीपीय अभिसरण होती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, यानी देख रहे हैं कि कौन कौन प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो ए में मॉर्गन कहा जा रहा है, बी में जो है मैकेंजी है, सी में जो है पार्कर है, और डी में जो है इनमें से सभी। तो इसका सही और सटीक आंसर डी होगा, यानी प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का संबंध तीनों से है, मार्गन, मैकेंजी और पार्कर तीनों से है। तो इसका सही आंसर डी होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। ऑस्ट्रेलिया जो है अंटार्कटिका से कब अलग हुआ था, यानी देखते हैं कि पहले पेंजिया कहा जाता था, वो पहले एक साथ जुड़ी हुई थी, उसके बाद उसका विभाजन हुआ तो जो देखते हैं कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड बनी। अब गोंडवाना लैंड वाली जो पार्ट है, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका जो है किसका है, गोंडवाना लैंड की पार्ट है जो पहले जुड़ी हुई थी। तो इसको पूछा जा रहा है कि वह कब अलग हुआ, क्योंकि अभी तो अलग है। तो उसमें ए में कहा जा रहा है मायोसीन काल में, बी में जो कहा जा रहा है क्रिटेशियस काल, सी में जो है जुरेसिक काल, और डी में जो है ईओसीन काल। तो डी में क्या है, ईओसीन काल। तो इसका सही और सटीक आंसर जो होगा ईओसीन काल होगी, यानी कि ईओसीन काल में जो है ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिका से अलग हो रही थी। तो इसका सही आंसर क्या हुआ, डी। चलिए अगले देखिए। निम्न में से कौन स्थल मंडल गोंडवाना भाग नहीं है, यानी जो देखते हैं गोंडवाना यानी पेंजिया का जब विभाजन हुआ था तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, उत्तर वाली जो पार्ट देखे वह अंगारा लैंड और दक्षिण वाली जो पार्ट देखे वह गोंडवाना लैंड की थी। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन गोंडवाना लैंड की पार्ट नहीं है। तो ए में जो है कि उत्तरी अमेरिका, बी में दक्षिणी अमेरिका, सी में अफ्रीका है, डी में अंटार्कटिका है। तो देखिए कि क्या है,
कि जो गोंडवानालैंड दक्षिण का पार्ट है, तो दक्षिणी अमेरिका दक्षिण में, अफ्रीका दक्षिण में, अंटार्कटिका दक्षिण में, तो यह तीनों के तीनों गोंडवानालैंड का पार्ट है। उत्तरी अमेरिका जो देखते हैं यह गोंडवाना का पार्ट नहीं है, यह जो है अंगारा लैंड का पार्ट है। तो इसका सही और सटीक आंसर जो होगा ए होगा। चलिए अगले के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि वैगनर महोदय ने महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत का प्रतिपादन कब किए थे, यानी वैगनर के द्वारा महाद्वीपीय विस्थापन यानी कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का प्रतिपादन कब किया गया था। तो 19 ए में जो है 1911, बी में जो है 1912, सी में जो है 1913 और डी में जो है 1914। तो इसका सही और सटीक आंसर जो होगा 1912 होगा, यानी इसका आंसर आपका बी हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। वैगनर के अनुसार निम्न में से कौन सा एक बल महाद्वीपीय विस्थापन के लिए उत्तरदायी है, तो वैगनर महोदय के लिए, तो एक जो देख रहे हैं ए में जो है ज्वारीय बल, बी में जो है संवहनीय धारा, सी में जो है तनाव बल है, और डी में जो है संपीड़न है। ठीक, तो यहां देख रहे हैं कि वैगनर का जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो है वह किस बल से है विभाजन हुई थी, तो यह जो है ज्वारीय बल, यानी जिसको टाइडल फॉरेस्ट फोर्स कहते हैं, तो यह टाइडल फोर्स जो है यानी ज्वारीय बल है, उससे जो है महाद्वीप का विस्थापन हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा ए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए कहा जा रहा है इसमें है कि संवहन धारा सिद्धांत का संबंध निम्न में से किस भूगोल बेता का है, यानी कन्वेक्शन करंट का संबंध किस भूगोल बेताओं से है। तो ए में जो है वैगनर, बी में जो है आर्थर होम्स है, सी में जो है बुलार्ड है, डी में जो है जेम्स जिन्स है। तो इसका सही और सटीक आंसर जो होगा आर्थर होम्स का द्वारा, यानी आर्थर होम्स का सिद्धांत जो है वह कन्वेक्शन करंट के ऊपर टिका हुआ है, यानी संवहन धारा के ऊपर। तो इसका सही आंसर बी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से किस क्षेत्र को रिंग ऑफ फायर कहा जाता है, यानी अग्नि वलय किसको कहा जाता है। तो ऑप्शन ए में जो है मध्य महाद्वीपीय क्षेत्र, बी में जो है मध्य अटलांटिक क्षेत्र, सी में जो है हिंद महासागरीय क्षेत्र, और डी में जो है परी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र। तो रिंग ऑफ फायर परी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र को कहा जाता है, जहां देखिएगा कि ज्वालामुखी यानी प्रशांत महासागर के चारों तरफ जो है बृहद पैमाने पे ज्वालामुखी के उद्गार होते हैं, तो उसी को रिंग ऑफ फायर कहा गया है। तो इसका सही आंसर जो है कि डी होगी। चलिए अगला देखिए। निम्न में से कौन एक दीर्घ प्लेट नहीं है, यानी बड़ी प्लेट नहीं है। तो यहाँ चार प्लेट दिया गया है। ए जो है यूरेशियन प्लेट, बी में जो है इंडियन प्लेट, सी जो है अंटार्कटिका प्लेट, डी जो है अरबियन प्लेट। तो देखिए अरबियन प्लेट जो है स्मॉलर प्लेट है, जबकि यूरेशियन, इंडियन और अंटार्कटिका प्लेट जो है दीर्घ प्लेट है। तो इसका सही आंसर डी होगा। जैसे पूरे विश्व में देखिएगा तो दीर्घ प्लेट जो है वह 6 प्लेट है। तो देखते हैं 6 प्लेट कौन कौन सा, यह भी जान लीजिए। जैसे यूरेशियन प्लेट है, इंडियन प्लेट है, अंटार्कटिका प्लेट है, प्रशांत प्लेट है, एशियाई प्लेट है, तो यह देखे कि आपका 6, और अमेरिकन प्लेट है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए।
प्लेट शब्द का सर्वप्रथम बार प्रयोग कितने किया था? तो देखते हैं कि क्वेश्चन ए में जो है मार्गन, बी में जो है मैकेंजी, सी में जो है हैरी हेस, डी में जो है टूजो विल्सन। तो प्लेट शब्द का सर्वप्रथम बार प्रयोग टूजो विल्सन के द्वारा किया गया था। प्लेट शब्द को सर्वप्रथम बार जो है टूजो विल्सन के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, हिमालय पर्वत का संबंध निम्न में से किससे है, यानी हिमालय पर्वत की जो ओरिजिन हुई है उसमें से निम्न में से किससे है? तो देखिए, ए में जो है तेथिस सागर, बी में जो है आर्कटिक सागर, सी में जो है अरब सागर, डी में जो है भूमध्य सागर। तो हिमालय पर्वत का संबंध जो है वह तेथिस सागर से है। तो इसका सही आंसर जो होगा ए होगा, यानी जो देखते हैं पेंजिया के विभंजन के बाद, यानी अंगारा और गोंडवाना लैंड बनी थी तो उसके बीच वाली जो सक्रिय और उथली हुई जो पार्ट थी वह उसी को जो तेथिस भूसन्नति कहा गया है। तो और उसी भूसन्नति से हिमालय पर्वत के ओरिजिन हुई है, जिसके कारण क्या है, तो उसका सही आंसर जो होगा कि आपका ए होगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए कि भूकंपीय तीव्रता की मापन को कहा जाता है, यानी भूकंप का जो तरंग होती है तो उसकी तीव्रता को मापन को क्या कहा जाता है? तो ए में जो है वर्नियर स्केल, बी में जो है दर्शक भिन्न, सी में जो है कर्णवत स्केल, डी में जो है रिएक्टर स्केल। तो भूकंपीय तीव्रता को ज्ञात करने वाली जो स्केल होती है वह रिएक्टर स्केल होता है। इसको 1935 में अमेरिकन स्कॉलर रिएक्टर महोदय के द्वारा आविष्कार किया गया था। इसमें क्या होता है कि एक से ठीक अगला अंक, यानी दो से तीन पे जैसी आएगी जो कहते हैं कि भूकंप की तीव्रता, तो वहां देखिए कि उसके तीव्रता जो दो पे जो थी उससे सीधा 10 गुना बढ़ जाती है तीव्रता। यानी दो से तीन जैसी हुई तो दो पे जो उसकी तीव्रता थी वह तीन पे जाने पे 10 गुना हो जाती है। अगर तीन से चार पे जाती है तो फिर तीन पे जो है उसकी 10 गुना वृद्धि होती है। तो यही जो स्केल है उसी एक स्केल को रिएक्टर स्केल कहा जाता है। इसलिए देखिए अब जो है कि आज हमारा यह वीडियो जो आप देख रहे हैं तो आप इसको क्या कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, आप अपने मित्रों में इसको शेयर कीजिए। थैंक यू मित्रों।